अरे जीजी, आपने घर की अलमारी की चाबी इतनी जल्दी बहू को सौंप दी? ऐसी भी क्या जल्दी थी? आप ये कैसे भूल गई कि आपकी बहू स्वरा एक गरीब घर से आई हुई लड़की है, और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। हो सके तो अपने घर तिजोरी की चाबी अपनी ही कमर में बांधो, वरना बहुएं कब सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कांता जी ने अपनी जेठानी कावेरी जी से कहा। कावेरी जी बोली, कांता, वह मेरी बहू है, कोई पराई नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना उसका भी है। कभी कभी इन्हीं भेदभावों की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर देते हैं। कांता आखिर वही मेरे काम आएगी, जब मेरा सर दुखेगा तो वही दबाएगी। मुझे लगता है तुझे तेरी सोच बदलनी चाहिए कांता। थोड़े दिनों में तेरे बेटे अतुल की भी शादी होगी। अगर तू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तेरी बहू तुझे आगे चलकर पानी बिना पूछेगी। मेरी मान, अब भी वक्त है, सुधर जा। तू तो आजकल का जमाना देख ही रही है, पहले जैसा वक्त नहीं है कि सांसे बैठकर हुक्म चलाती थी और बहुएं बेचारी बनकर सब सुनती थी। आजकल तो बहुओं की सुनो तो ही वे हमारी सुनेंगे। कांता बोली, जीजी, आप बात को समझ नहीं रहे हो। मैं कहना चाहती हूँ कि स्वरा बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए, और ये छोटे घर की लड़कियां जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज्यादा देखा नहीं हुआ होता है, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती है तो सर पर चढ़ जाती है। आप देख नहीं रही है क्या, आजकल कैसे बहुएं थोड़े ही दिनों में ससुराल में राज जमा कर बैठ जाती है। जानती है ऐसा क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण। हम ही तो पहले इनको अपना बेटा देते हैं, और फिर घर अलमारी तिजोरी की चाबी। फिर थोड़ी बहुएं हमको पूछने वाली है। इनको जो चाहिए होता है वह सब तो हम उन्हें दे चुके होते, फिर हम बुढ़ों की कदर क्यों करेंगी? ये आज की जवान बहुए। जी जी, आप भी अपनी धाक जमा कर रखिए, वरना मेरे बुढ़ापे से पहले कहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। जी जी, बुरा मत मानना, मगर रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से बनाने चाहिए। मैं तो मेरे बेटे अतुल के लिए ऐसे गरीब परिवार की बहू लाऊंगी नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़े। कावेरी जी के दिमाग में कांता की ये बात घर कर गई। कांता तो सब बोल कर चली गई, मगर कावेरी जी के कानों में कांता के एक एक शब्द गूंज रहे थे, और उन्होंने दूसरे ही दिन किसी बहाने से स्वरा से अलमारी की चाबी ले ली और अपने पास रख ली। कहीं ना कहीं वे भी जानती थी कि स्वरा बहुत गरीब परिवार से है, और कावेरी जी के घर में पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी। एक लौता बेटा था नरेश, उनका अगर कल के दिन स्वरा ने सब पर अपना हक जमा लिया तो कावेरी जी का ये सब सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था। कावेरी जी के पति आलोक जी को अपने बेटे नरेश के लिए स्वरा बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने स्वरा के परिवार की गरीबी को अनदेखा कर अपने बेटे की शादी स्वरा से करवा दी। कावेरी जी भी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि स्वरा दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, जिसकी कामना कावेरी जी करती थी। मगर आज कांता की बातों से उनके दिमाग की बत्ती जल उठी थी, और उन्होंने स्वरा को एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की समझना शुरू कर दिया था। अब तक कावेरी जी अपनी बहू को बेटा बेटा कहते नहीं थकती थी, अचानक ही स्वरा के प्रति उनकी सारी धारणाएं बदल गई। वह कहते हैं ना दोस्तों, एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था कावेरी जी के साथ। कांता तो कावेरी जी के मन में शक का बीज बोकर जा चुकी थी, जिसका पेड़ उगते समय नहीं लग रहा था। अब तो यह हाल था कि स्वरा कुछ भी कहती तो कावेरी जी उसका उल्टा ही जवाब देती और कहती, तुम्हारे मायके में ऐसा चलता होगा, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत की बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा। ये तो तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस घर की बहू बनने का मौका मिला। कावेरी जी की ऐसी कड़वी बातें सुन स्वरा का दिल छलनी छलनी हो जाता। स्वरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है। ये तो वह मम्मी जी ही नहीं रही जो 3 महीने मेरे साथ थी। स्वरा कितनी ख्वाहिशें लेकर इस घर की बहू बनकर आई थी, मगर सासुमा का व्यवहार उसे हर पल नीचा दिखाता। उसने अपने मायके में ससुराल जितना पैसा तो नहीं देखा था, मगर पैसा देखकर उसने यहाँ शादी भी नहीं की थी। समाज में नरेश के पापा आलोक जी का बहुत व्यवहार था। हर कोई आलोक जी और कावेरी जी के व्यवहार के गुण गाता, इसलिए स्वरा के माता पिता को इस घर में अपनी स्वरा को देना उचित लगा। दोनों ने सोचा, हमारी लड़की को इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा
जिसकी एक बहू को चाहत होती है। और स्वरा भी तो यही ख्वाहिश लेकर ससुराल आई थी कि उसे यहाँ बहुत प्यार मिलेगा। आलोक जी और कावेरी जी जब पहली बार स्वरा के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था, हमें आपकी बेटी दो जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार है, बस इस रिश्ते के लिए ना मत कहिएगा। स्वरा के माता पिता से जो भी बन सका उन्होंने स्वरा को दिया था, क्योंकि वे भी अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। स्वरा के माता पिता ने उसे कपड़े लत्ते गहने दिए थे, जो उसके ससुराल वालों जितने भारी नहीं थे। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर अचानक सासुमा के बदले व्यवहार का कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो सासुमा मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ता लेकर आई थी और बाद के 3 महीने भी इतनी प्यार से मेरे साथ रही थी, वह उनका असली रूप था, या अब यह दुर्व्यवहार जो मेरे साथ कर रही है ये उनका असली रूप है। ये बात स्वरा की समझ से परे थी। एक दिन स्वरा कावेरी जी से बोली, मम्मी जी, मेरे मामा के लड़के की शादी है, 2 दिन बाद तो आप मुझे अलमारी में से मेरे गहने निकाल कर दे देंगी जरा। कावेरी जी बोली, क्या जरूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी। स्वरा बोली, मम्मी जी, मैं गहने संभाल कर रखूंगी, आप फिक्र मत करिए। कावेरी जी बोली, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तू हमारे घर के गहने अपने मायके में पहने, वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की, उनके खुद के पास वैसे भी है ही क्या। तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हमने दिए हैं, इसलिए तू अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना, तेरे मायके के प्रोग्राम में पहनने की कोई जरूरत नहीं। स्वरा बोली, मम्मी जी, मेरे मायके में आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना तो नहीं है, मगर प्यार और सम्मान बहुत है, और मैं वैसे भी उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए हैं। हाँ, आप लोगों के जितने भारी गहने नहीं दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया वह भी बहुत है मेरे लिए। कावेरी जी ने मुंह बिगाड़ते हुए स्वरा के मायके से आए हुए हल्के गहने उसे पकड़ा दिया। स्वरा वही गहने पहनकर अपने मामा के लड़के की शादी में पहुंची। स्वरा की माँ शीला जी बोली, बेटा, तूने तेरे ससुराल से चढ़ाए गहनों में से एक आधा गहना भी नहीं पहना, क्या बात है स्वरा। स्वरा बोली, मम्मी, वह गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसलिए यही गहने पहनकर आ गई। स्वरा अपनी माँ को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि कैसे ये पैसे वाले लोग पहले तो बेटी ले जाते हैं और फिर उसको और उसके मायके वालों को गरीब होने का ताना मारते हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है गरीब परिवारों के लड़कियों से, तो क्यों रिश्ता जोड़ते हो, क्यों अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हो गरीब परिवारों में, और रिश्ता होने के बाद जिंदगी भर बहू और उसके मायके वालों पर गरीबी का टैग लगा देते हो, ताकि एक स्वाभिमानी परिवार पल पल मरे। स्वरा की ख्वाहिश तो बस इतनी सी थी कि ससुराल में उसे खूब प्यार मिले, मगर वह भी ना पूरी हो पाई। हाँ, पति नरेश बहुत प्यार करते थे, ससुर जी भी बहू को बेटी ही समझते थे, मगर पूरे दिन रहना तो स्वरा को उसकी सांस कावेरी जी के साथ था, और वहीं हर पल ताना मारे तो कहीं ना कहीं स्वरा का विश्वास भी डगमगा गया था। स्वरा ये सब सोच रही थी कि उसकी माँ की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह वापस अपने ससुराल आ गई। थोड़े समय बाद कांता जी का वापस कावेरी जी के घर आना हुआ, और जब कांता जी ने देखा कि जेठानी जी ने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है, तो उसे बहुत खुशी हुई। कावेरी जी स्वरा को हर बात में नीचा दिखा रही थी। ये सब देखकर कांता जी की मानो कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। कांता बोली, जी जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इन गरीब घर की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसा कब हमसे छीन लेती है पता ही नहीं चलता। पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती है, ये बहुए, ऐसे में पैसा जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। मैं तो कभी मेरे बेटे की शादी गरीब घर में नहीं करवाऊंगी, इसलिए तो कहती हूँ रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। स्वरा चाय लेकर आ रही थी और उसने कांता जी की ये बातें सुन ली। अब वह समझ चुकी थी कि मम्मी जी क्यों बदल गई है। कुछ रोज पहले भी तो कांता जी ही घर आई थी, और उसके बाद मम्मी जी का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। स्वरा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी जी की आंखों पर पट्टी बंध चुकी थी जो बांधी थी कांता जी ने, मगर भुगतना बेचारी स्वरा को पड़ रहा था।
खैर थोड़े ही महीनों बाद कांता जी के बेटे अतुल की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई। वे लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी इकलौती बेटी नव्या अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी, कीमती सोने जवरात, कीमती आभूषण और कीमती कपड़े लत्ते और भी बहुत कुछ, जो कांता जी चाहती थी उससे भी ढेरों गुना ज्यादा। कांता जी तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद उनकी ये सारी खुशी मिट्टी में मिल गई जब नव्या घर का कोई काम नहीं करती। बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना और बस घूमना फिरना, यही उसके शौक थे। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीजें छिपा कर रखती कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। नव्या कांता जी की रत्ती भर इज्जत नहीं करती थी, यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियां लेकर आई थी जिसे वह घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती थी। कांता जी अगर कुछ कहना चाहती तो उन्हें तुरंत चुप करा देती नव्या और कहती, मम्मी जी मैंने अब तक मेरे अनुसार ही जिंदगी जी है, कभी मुझे मेरे मम्मी पापा ने भी जोर से या डांट लगाकर बात नहीं की है, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं कि आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करें। मैं बहुत कुछ दहेज में लाई हूँ, आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। कांता जी का अब ऐसे माहौल में दम घुटने लगा था। एक दिन वह कावेरी जी के घर आकर अपना रोना रोने लगी कि वह कितनी तकलीफ में है। उनके बहू लाने से पहले क्या क्या अरमान थे जो नव्या के आने के बाद टूट चुके थे। तब स्वरा बोली, चाची जी रिश्ता तो हमेशा बराबरी वालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से है, फिर आपको ऐसी तकलीफ कैसे आ गई? लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ाती हो कि उन्हें कैसे घर से बहू लानी चाहिए, आपका ये अंजाम होगा इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। कावेरी जी और कांता जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। कांता के जाने के बाद कावेरी जी को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और वह ये सोचकर भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उन्हें स्वरा जैसी बहू मिली है, नव्या जैसी नहीं। वह वापस पहले वाली कावेरी जी में तब्दील हो गई थी। आज उन्होंने बहुत समय बाद स्वरा से प्यार से बात की थी और अपने किए दुर्व्यवहार की माफी भी मांगी और फिर से एक बार अलमारी की चाबी भी उन्होंने स्वरा को सौंपते हुए बोली, बहू मैं कांता की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। स्वरा बोली, मम्मी जी मुझे ये अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए। पराए लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया है मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं कि वह आकर हमारे ही घर में फूट डाल दे। कावेरी जी बोली, हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, काश मैं भी ये बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। दोस्तों कभी कभी पराए लोग हमारे घर की नींव हिला देते हैं क्योंकि शायद हम उन्हें वह मौका देते हैं, इसलिए हो सके तो कभी लोगों की बातों में ना आए। लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि आपका घर खुशी से चले, इसलिए आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर परिवार आपका है, रिश्ते भी आपके हैं, इसलिए आपको अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले, और आप फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।